सजन याद हर दफा कौन समझ आए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही। आज वीडियो की शुरुआत अपने गांव से। ये हमारा गांव काफ़ी सुंदर गांव है, बीच में पेड़ आ गए पूरे नहीं दिख रहे हैं। और यह ऊपर गांव है सांदना और यह है कोट और ये बीच में है सड़क यहीं तक है बस। और ये मंदिर नई मंदिर है ये आज के लिए बनी। और ये वही पुराने घिसे पिटे लोग मोहित एंड सुरेंद्र। और ये है हमारे बाइकर सुरेंद्र सिंह और ये हमारे दोस्त साहिल। और हम ये बाइक दीपक की है ये बाइक। तुम्हारे पापा की आइडिया हुआ तन राज ही लौने खराब नहीं करें लुका बाइक है सबसे मस्त है इसी गाना का। अच्छा बढ़िया बाइक लेने साहिल और भी हुई हटा दो कदे साइकिल के लगनी आ रहे छोटे भैया। ये सन गांव बहुत ही सुंदर प्यारा गांव है, यहाँ से दिख नहीं रहा पर कोई बात नहीं। हाँ पर जिखेल तो फिर कोई बात नहीं, बहुत ही सुंदर गांव। और ये हमारे कुछ दोस्त लोग प्यारे प्यारे बच्चे। ये सामने के शुरू शुरू के घर है सड़क से। वाह लास्ट घर तो दिखा दिया था पर ये पहला घर है। ये सालना का पहला घर और यहाँ पे दुकान है। ये रही दुकान, ये दुकान है पर पैसे नहीं क्या करें, गरीबी छा गई है बच्चों पे। और वहाँ है चंद्रवदनी मंदिर वहाँ आगे। हाँ एक दिन जाएंगे उधर भी कभी घूमने। काफी देर रुकने के बाद हमारे दीपक भाई भी पहुंच चुके हैं। आप झुम झुमा झुम अरे कोतले तो है वो मैं पूरा पैसा रोन कोतले। और दीपक भाई भी आ चुके हैं और हैप्पी भी आ गया है। सकल में चमक आ रही है इनकी, लगता है कि बहुत हंस रहे हैं। नमस्कार दोस्तों और ये हमारे विधायक विधायक जी जो बेनत कंडार के जाने माने बायात है विनोद कंडार के बायात। बिल्कुल चुप। और लगे हम रास्ते। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? लग गए ना, चल रही हम रास्ते पे। तुम्हारे पे दुश्मन है तो एक फेंक दिया। और ये है कंडाली। कंडाली अगर इस किसी पे लग गई तो मतलब समझा गया। और जब किसी में भूत लगता है तो इस कंडाली को लगाना पड़ता है। उसका भूत ऐसा भागता है कि दोबारा उस घर में भी नहीं आ पाता है। मेरी और ये है परोलना साहिल पौड़ी की बात। क्या कहते इसको? मरेंडू रास्ता बर्बाद हो चुका है। ये यार बोल बैठे वो परोड़ लगे परोड़ा का। और यहाँ ओसी ओस पड़ी है रास्ते में। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा पर हमें दिखाई दे रहा है ना। और वो पेड़ फिर से दिख गया जो पौड़ी के रास्ते में दिखाता एक दिन। इनकी कंट्रोवर्सी होने लगी थी अपनी गलती स्वीकार करते हुए राजवीर सिंह। काफी दबदबा है रास्ते के आगे हारते हुए पड़ा। और अभी से काफी अच्छा व्यू आने लगा है, आप देख सकते हो। क्या ही भूतिया सा पेड़ है, क्या ही भूतिया सा पेड़ है। काफी घनघोर जंगल दिवाली के।
और इसे कहा जाता है पुरानी झंडीदार, देख सकती है आप लोग। झंडीदार का टैंक है और आज हमारे मुख्य कारण ये भी है, चार दिन से पानी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? आज हमारे जाएंगे। ये फ्रूट है, ये कुछ पर पता नहीं क्या है, पर ये बहुत टेस्टी होता है, खट्टा खट्टा। इसे तुंगला कहते हैं वैसे, बहुत काफी सुंदर। पहले हाथ में निकालो, काफी अच्छे होते हैं। और इसकी पहले इसको साफ करना है, पर इससे ज्यादा खाने से इससे खांसी भी होती है। और थोड़ा दीपक भाई, मैं भी पहली प्रथम बार से चखना चाहूंगा कैसे हो रहा है। इसे भी खांसी हो जाएगी आज रात गर्म पानी पियान पड़े। ले वाओ, काफी सुंदर। अगर इसके आप चार पांच दाने खाएंगे, इसके अंदर वाटर, अगर आपको प्यास लगी होगी तो सही में आपके चार पांच दाने आपको आपकी प्यास बुझा सकते हैं। बिना पानी के भी आपको बहुत काम आएगी ऐसे रस्तों पर जहाँ पर खड़ी चढ़ाई होगी। क्या कहते हैं सर ने? वैसे पता नहीं क्या कैसे हमारे पास में से तुंगला कहते हैं, तुंगला दाना, तुंगला तुंगला, ये तुंगले के पेड़, ये तुंगले की दाणी, काफी अच्छा होता है। और जो ये लाल लाल होते, ये सूखी सूखी होते, जो ये टेस्ट होता है, मीठा मीठा होता है ये वाला, ये मीठा होता है। और ये हरे जो ये थोड़ा खट्टे होते तिमले का डाक। और ये है पुराना ग्राउंड, पहले लड़के यहाँ खेलते थे मैच, अब फिर उसके बाद यहाँ लोगों ने हल्ला किया, गालियां दी होगी लड़कों को, फिर लड़के नीचे गए। और ये झंडीधार का फेमस ग्राउंड, बहुत अच्छा। और पहुंचने वाले हम झंडीधार, वैसे एक बार पहले भी आए थे हम यहाँ, उस समय भी वीडियो बनाई थी। और यहाँ हम बड़ी ऊंची चोटी में पहुंचने वाले हैं। और ये भी है, ऐसी चोटी की है, काफी मजा। और यहाँ से एक दिन कहीं गए भी थे रास्ते, वो दिन भी याद है, भी याद है, पर बता नहीं सकते वो कौन सा दिन। ये बात तो है, गाने का तो माथे में डाउट पड़ा, मैं उल्टा निकलते रहे। और यहाँ सबसे ऊपर है, यहाँ ऊपर है झंडीधार की टैंक, बहुत बड़ी टैंक है, इस एरिया की सबसे बड़ी टैंक है वो। और यहाँ मोटरें लगी है, ये हमारे गांव में जा रहा है ये पानी का पाइप, और ये डूब गांव में जा रहा है, और ये वाला हमारे गांव में, और ये वाला डूब गांव में। और आपको आप काफल के पेड़ बताते हैं, और ये काफल का पेड़, ये भी है काफल का कौन, और ये काफल का पेड़ ये है, एक मिनट नहीं दिखाई दे, ये वाला काफल का पेड़। और एक इधर भी एक काफल का पेड़, यहाँ पहले लड़के आते थे, दिन में आते थे। देख सकते हो आप, झंडीदार की टैंक में पहुंच चुके हैं अब। और दीपक भाई आपको कैसे लगे इतनी चढ़ाई चढ़ के? देखिए मुझे आदत तो, क्योंकि हम शहरों में ही रहे आज ज्यादातर, पर गांव आने के बाद एक चीज पता लगी कि आम आदमी, शहरों का आदमी यहाँ नहीं आ सकता है, यहाँ नहीं आ जाएगा, आ भी जाएगा तो जैसे अभी हम लोग तो हम काफी दूर से आ रखे हैं, काफी समय हो गया मुझे भी, दो तीन महीने, इसलिए मैं चढ़ पा रहा हूँ। वरना शहरों का कोई व्यक्ति भी यहाँ एक घंटे डेढ़ घंटे से पहले नहीं चढ़ पाएगा, और हम आधे घंटे में यहाँ पहुंच चुके हैं। काफी हम लोग आपको बताएंगे, अब यहाँ का सुहावना मौसम तो अभी आपको थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा ही। ये मेरे मित्रगण है, हैप्पी मेरे भुला बैठियो, बोलो दीदी हो, बहने हो, सब भी हो गए। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ 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 फोटो खींच दो एक। सजना जी मैनु छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा जान बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं। ये
आ गए हम टंकी के ऊपर। बहुत बड़ी टंकी है, बहुत बड़ी टंकी। कुछ ऐसा नजारा टंकी के ऊपर का। नीचे यहाँ नीचे हमारा गांव, यहाँ नीचे हमारा गांव, वो बहुत नीचे है। काफी एंजॉय करते हुए लड़के यहाँ। ये तो बड़ा मजे, यहाँ पे आवाज निकालोगे तो काफी मजा आएगा, देख सकते हो आप। लड़कों की मस्तियाँ चल रही इधर, देख सकते हो आप, काफी मजे कर रहे लड़के। और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हुए अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। राम राम।